पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी शोएब अख्तर ने कहा है कि पाकिस्तान सुपर लीग आर्थिक संकट का सामना कर रहा है और कुछ मालिक अपनी टीमों को बेचना चाह रहे हैं। एक टेलीविजन शो के दौरान अख्तर ने यह भी दावा किया है कि वह अगले 16 से 18 महीनों तक PSL का आयोजन मुश्किल में लग रहा है। आपको बता दें कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस साल मार्च में COVID-19 महामारी के कारण PSL का 5वें सत्र प्रतियोगिता के अंतिम चरण से पहले ही समाप्त कर दिया था।